हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो कि करंट अफेयर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्या है कि मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है, तो है ब्रैकियल धमनी। अगला क्वेश्चन है हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है, हंसने वाले गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। कैलकुलस के आविष्कारक कौन थे, दोस्तों तो थे आइजैक न्यूटन। एड्स के विषाणु किससे नष्ट कर देते हैं, तो लिम्फोसाइट को। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन होता है उसे हम कहते हैं ग्लोबिन। पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिन। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, तो एड्रेनलिन हार्मोन को। एड्रेनालिन ग्लैंड से सीक्रेट होता है दोस्तों, जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं सुबह टहलते हुए, आपको कोई कुत्ता दौड़ा लेता है तो आपको कुछ अलग सी फील होती है एक ही बैग डर से, तो वही एड्रेनलिन हार्मोन निकलने लगता है। ठीक है दोस्तों, बौद्ध नहीं दोस्तों, बुद्धि का केंद्र स्थित है तो है मस्तिष्क में। कौन सा एंजाइम एक का थक्का बनने में सहायता करता है, ये रक्त होगा रेनिन। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है दोस्तों, एमाइलेज बहुत ज़रूरी होता है। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है दोस्तों, तो कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। अगला क्वेश्चन दोस्तों है भारत विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन कराती है, तो जीरोन्टोलॉजी कराती है, जीरोन्टोलॉजी कराती है। प्रोटीन की इकाई क्या है दोस्तों, तो है अमीनो अम्ल। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनती है, टॉन्सिल में दोस्तों। ठीक है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो वसा एवं सेलुलोज की। अगला है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों, तो है लिपिड और प्रोटीन की। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है दोस्तों, तो है सेलुलोज की। जीन का वहन करने वाली आनुवंशिक इकाई क्या कहलाती दोस्तों, तो गुणसूत्र क्रोमोसोम्स कहलाती है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है दोस्तों, तो है प्रोटीन का। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक दोस्तों क्या है, तो है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ये तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था दोस्तों, तो न्यूलैंड ने किया था। अगला है बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है दोस्तों, तो होता है उत्तर क्या आपका, कास्ट आयरन से स्टील। ठीक है, कास्ट आयरन से स्टील जो होता है वो बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है, तो कास्ट आयरन से स्टील में। अगला है सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं, तो वो होते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि वो भी ये वीडियो पा सकें।